नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड पी बुक्स में। अभी जो अपकमिंग वैकेंसी हमारी आई हुई थी DTSSB के, जिनके फॉर्म ऑलरेडी हमारे जनवरी में फिलअप हो चुके हैं, तो उनका उसका एग्ज़ाम लगा हुआ है हमारा अब जुलाई में, 16 जुलाई को। तो उसी के बेस से जो बुक्स इस टाइम पे मैं प्रेफर कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, मैं उसी की बुक्स के बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगी इसी वीडियो में। तो ये बात आपको भी पता है जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आज 22 जून हो चुका है ऑलरेडी, 16 जुलाई, दैट मीन्स कि एक मंथ से भी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम पे हम सॉल पेपर जो हमारे होते हैं, मतलब प्रैक्टिस पेपर पे ही हम फोकस करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कितनी, मीन्स हमारा रेडी हो चुका है ऑलरेडी, और हम कितना अपना स्कोर कर पा रहे हैं अपने एग्ज़ाम के बेस से। तो DSSB हो या UGC नेट हो या KVS, NVS, UGC नेट तो थोड़ा सा हायर लेवल पर चला जाता है, बाकी TGT, PGT, KVS, NVS और DSSB, अगर मीन सब चीज़ों को एक साथ ले लेते हैं तो सबका सिलेबस लगभग ऊपर नीचे होता है। एक दो यूनिट होती हैं जो इक्वल नहीं होती हैं, अदरवाइज सबका सिलेबस सब सेम ही होता है। तो आगे मैं सिलेबस भी आपको शो कर देती हूँ DSSB का क्या सिलेबस है। फिजिकल एजुकेशन के बेस से ही है जो सिलेबस मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। और जो जो सॉल पेपर बहुत ही मिनिमम प्राइस के हैं, जो सॉल पेपर हमने निकाले हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से ले सकते हैं। आप अपने प्रिपरेशन को बेस्ट वे में आप फोकस चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, वो स्कोरिंग भी आपका प्रॉपर सेट हो जाएगा। क्योंकि आपका इस टाइम ऑब्जेक्टिव आता है, मोस्टली पेपर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि जो भी फर्स्ट पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव जाता है, सेकेंड पेपर के बेस पे जब होता है तब मेंस अगर होता है तो उस टाइम पे हमारा वो सब्जेक्टिव बेस पे चला जाता है, वो भी मोस्टली PCS में होता है ऐसा। अदरवाइज तो जो नॉर्मल वैकेंसीज होती हैं उनमें तो यही होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के बेस पे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उस चीज़ की हैबिट आपकी पड़ जाएगी कि आपको इतने, आप कितने टाइम स्कोर में आप अपना इतना पेपर कर रहे हैं, कि एक टाइम फिक्सअप होता है, आपको उसी टाइम के बेस पे अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी होता है और उसको सॉल्व भी करना होता है। तो थैंक यू। आज हम सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, ये हमारी कुछ बुक्स हैं जो सब्जेक्टिव में आती हैं। सो DSSB की जो यूनिट, जो सिलेबस है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। हिस्ट्री है, कॉन्सेप्ट है, फिजिकल फिटनेस है, एनाटॉमी है, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, टेस्ट एंड मेजरमेंट, किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डोपिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम एंड MCQ। सो ये बुक्स है, ये बेस्ट सेलिंग में है ऑलरेडी, आपको लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। MRP इसका 700 है, डिस्काउंटेड प्राइस में ऑनलाइन भी पड़ी हुई है और आपको यहाँ पर भी 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। अजय धानकर सर की है, इसमें ऑलरेडी हमारा सारा मेंशन है कि ये बुक किस किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट। चैप्टर्स चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, रिसर्च एंड फिजिकल एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट मेजरमेंट, इवेल्युएशन, मैनेजमेंट एंड करिकुलम, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, डिक्शनरी। इसमें डिक्शनरी है जो वन लाइनर में दी हुई है और ये चैप्टर है सर के। ये डिक्शनरी है बुक की, सीक्वेंस में है, अल्फाबेटिकल, ए से स्टार्ट हो गया, सेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, लास्ट तक दी हुई। 750 MRP है, डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों, ये सेम राइटर की बुक है, ये हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, और दोनों बुक का जो प्राइस है वो 600 रुपीज़ है। बेस्ट सेलिंग बुक है हमारी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, 300+ इनके रिव्यू पड़े हुए हैं ऑलरेडी। मैं बुक ओपन करके एक बार दिखा देते हैं, शॉर्ट नोट्स के बेस से बुक बनी हुई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेंथी नहीं है, इजी टू रीड है। अपडेटेड है, सबसे बड़ी बात ये अपडेटेड है अभी रिसेंट की। कंटेंट व्यू कर लेते हैं एक बार, ऑनलाइन ये बुक्स, सारी बुक्स ऑनलाइन मिल जाएंगी, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं बुक्स के। रूल बुक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो ये सारी, ये वाली बुक जो है इसमें अब तक का जो अभी 2024 में जनवरी में जो हमारे अवार्ड्स जो भी सबको मिले हुए थे स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वो सारे अवार्ड्स इसमें मेंशन हुए हैं। अपडेटेड बुक है अभी रिसेंट की, प्राइस 400 है, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ये MCQ बुक्स हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बेस्ड है सारे के सारे, आपको ईजिली इससे ये आप कर सकते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम क्वेश्चन को
सॉल्व कर पाते हैं कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। और हमें जो रीड करना होता है क्वेश्चन, एक टाइम होता है, टाइम के बेस पे रीड करना होता है और उसको हमें उतने में सॉल्व करना होता है। तो ये हमारी हैबिट में आ जाता है और इससे हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लास्ट के हमारे 25 या 26 डेज बचे हैं, बहुत ही कम टाइम है। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप बुक्स मंगाइए और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। इसमें भी इस बुक में सेट्स दिए हुए हैं, लास्ट में आंसर की एड है, 350 MRP है, जो डिस्काउंट में भी अवेलेबल है। दैट मींस कि आपको ये बुक 200 अराउंड मिल जाएगी। 1000 MCQ बुक है, UPTGT 2021 के पेपर भी इसमें पड़े हुए हैं दो। 250 MRP है, आपको इसमें 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बुक UGC के बेस से तो अच्छी है ही है और इसके हिंदी में भी अवेलेबल है बुक हमारे पास, सप्लीमेंट्री 1000 MCQ की, जो 3 volume सेट के साथ आती है, या अलग से भी आती है। 200 MRP है, या आपको 35% डिस्काउंट में मिल जाएगी। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें भी चैप्टर वाइज सारे MCQ सारे चैप्टर वाइज इसमें दिए हुए हैं। हिंदी की प्रैक्टिस पेपर की बात कर लेते हैं तो ये हिंदी की प्रैक्टिस पेपर सेट है, MRP है, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी मोटी है, 350 pages 350 pages हैं इसमें। सो ये बुक आपको 30% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। किसी भी चीज़ का कोई भी कमेंट आपका बुक्स के रिगार्डिंग हो या आपका कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आगे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।